वेलकम गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग की। एंटीवायरल ड्रग क्या है और ये क्या काम करती है, मैकेनिज्म एक्शंस क्या होता है। तो देखिए, एंटीवायरल जो है वायरस से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट के खिलाफ काम करती हैं। वाइड रेंज जो एंटीवायरल इन्फेक्शन है दुनिया में, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है वायरस के। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो एकदम से ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, जैसे कि कॉमन कोल्ड। अब दोस्तों, कॉमन कोल्ड ऐसी बीमारी है वायरस से हो गई जो कि अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं है, कॉमन कोल्ड का। ऐसे ही कोरोना वायरस है तो अभी तक उसका प्रॉपर इलाज नहीं है, खाली वैक्सीन लगा दी जाती है, ये भी कंफर्म नहीं होता। तो वायरस जो है इतना ख़तरनाक चीज़ है कि भाई अगर हो जाए तो हटने का नाम ही नहीं लेता। अब इस वीडियो में यही बात करेंगे, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, साइट ऑफ एक्शन देखते हैं कि भाई ये कहाँ काम करता है, कहाँ जाता है। तो जो एंटीवायरल ड्रग हैं उसका जो टारगेट है, डिफरेंट साइट ऑफ एक्शंस रहता वायरस होस्ट सेल में। एग्जांपल के तौर पर, जस्ट सम ड्रग टारगेट वायरल प्रोटीन वाइल अदर टारगेट होस्ट सेल एंड वायरस यूज द एंटायर ऑफ द सेल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्तों, अब एंटीवायरस ड्रग जो बना दी गई हैं तो एक वायरस है। अब वायरस की या फिर तो होस्ट सेल पर काम करेगा जो उसका टारगेट रहेगा, या फिर उसको तोड़ देगा, रप्चर कर देगा। यही चीज़ें काम करता है भाई जो एंटीवायरल ड्रग रहती है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब जो हमारी एंटीवायरल ड्रग हैं वो काम कैसे करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्रग क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं वायरस एबिलिटी टू एंटर होस्ट सेल, जो हमारी सेल है, होस्ट सेल है, क्योंकि वायरस क्या है उसको खाता रहता है, वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। तो उसमें जो है एंटर करेगा, मतलब एंटर ही नहीं करेगा, वो उसको जाने से रोक देगी एंटीवायरल जो ड्रग है। तो उससे आगे क्या होगा, उसका रिप्लिकेट नहीं होगा, उसमें ज़्यादा वायरस नहीं बनेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लीजिए, वो जो है रोक देगी। अब देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीवायरल। तो बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के थ्रू इसको जो है क्लासिफाइड किया गया। देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ द एंटीवायरल ड्रग इंक्लूडिंग न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, प्रोटीएज इनहिबिटर एंड न्यूरोएमेटेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग वर्क बाय द इंटरफेयरिंग विद द वायरस एबिलिटी टू रिप्लिकेट इट्स जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीएज इनहिबिट प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम द प्रोसेसिंग, मतलब ये सारे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप देख लेना। तो दोस्तों, कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन यही है कि भाई जो एंटीवायरल ड्रग है उनका बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहता है फाइट करने में अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शंस। तो ये क्या काम करती हैं, जो टारगेटिंग स्पेसिफिक है उसकी जो लाइफ साइकिल है वायरस की, उसको तोड़ के एक तरफ को फेंक देती है, उसे बनने ही नहीं देता। तो एंटीवायरल ड्रग अलग अलग कैटेगरी में इसलिए डिवाइडेड किए गए हैं क्योंकि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही अलग अलग है इसलिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।